नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा, उसी के दम पर भारतीय बाजार में भी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अभी दोबारा से डिप आ रही है। ये चीज बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि दुनिया भर के बाजार अच्छा कर रहे हैं और हम लोग खराब कर रहे हैं। क्या इसे हम मंथ फाइनेंशियल ईयर का मंथ एंड समझें, सेलिंग समझें? वही घिसे पिटे सवाल हैं। क्या बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा सा गिरना चाहता है, कौन से लेवल्स हैं, आम निवेशक क्या करे? ये वही सवाल है घिसे पिटे, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस समय बाजार में जो गिरावट आई है, ये आई क्यों है, ये अभी का सबसे बड़ा सवाल है। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, निफ्टी ऊपर में 21,891 का हाई लगा के वापस डे लो पे आ गया है, 21,820 पे ट्रेड कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप आधे आधे परसेंट गिर गए हैं। ये ऊपर से छोड़ो, ये तो लाल निशान में भी अच्छी खासी गिरावट में आ गए हैं। मार्केट ब्रेथ एक बार फिर फिसलते हुए दिख रही है लाल निशान में, जहां पे एडवांस शेयर्स 892 हैं तो डिक्लाइनिंग शेयर्स 1252 हैं, यानी कि गिरने वाले शेयर्स बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या में ज्यादा हो गए हैं एनएससी पे। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी फ्लैट है, बिल्कुल ही फ्लैट कह सकते हो या फ्लैट टू नेगेटिव कह लो, 5 पॉइंट नीचे केवल। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कल का टॉप लूजर आईटी इंडेक्स, जिसकी उम्मीद थी कि आज भी टूट सकता है क्योंकि कल नैस्डेक इंडेक्स नीचे था, बट अमेरिका में जो रिकवरी आई, मतलब डाउ जोन्स में जो तेजी बनी उसमें नैस्डेक भी रिकवर कर गया, तो आईटी इंडेक्स अभी तक तो सबसे ऊपर दिख रहा है, 0.27% तेज है केवल, लेकिन सबसे ज्यादा यही ऊपर है। जहां पे अगर मैं नोटिस कर पा रहा हूं तो टीसीएस टॉप गेनर है, 1% ऊपर है, तो कल सेलिंग के बाद बड़े फंड्स की खरीदारी के बाद आज स्टॉक में हल्की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आज टॉप लूजर के रूप में सामने आ रहा है मेटल इंडेक्स, 1.5% नीचे है। इंटरेस्टिंग यहां ये है कि बेस मेटल्स के दाम बढ़े हैं, बेस मेटल्स यानी कमोडिटी प्राइसेस मेटल्स के, वो बढ़े हैं और उसके बावजूद ये नीचे आ रहे हैं, ये हजम होने वाली बात नहीं है, यानी बिल्कुल विपरीत जा रहा है मार्केट। अभी मार्केट ब्रेथ निफ्टी की तो 32 शेयर्स नेगेटिव है, लीड कर रहा है मेटल से टाटा स्टील, देन हिंडाल्को एंड देन यूपीएल जो कंटिन्यू टूट रहा है, और टाटा मोटर्स, कल मैंने एक न्यूज भी आपके साथ डिस्कस करी थी जो कि नेगेटिव है, जहां जेएलआर नॉर्थ अमेरिका में लगभग ई पेस मॉडल जो है इनका 2800 समथिंग यूनिट्स रिकॉल करी जा रही हैं, इसकी अपडेट मैंने कल अपने व्यूअर्स को दे दी थी। देन टाटा ग्रुप से ही टाटा कंज्यूमर भी नीचे ही दिख रहा है एंड डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ टॉप लूजर हैं जो आज निफ्टी में नीचे प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। टॉप गेनर में आइशर मोटर है, एक तंगड़ी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, 5,000 रुपए के लक्ष्य दिए हैं, जिसके चलते स्टॉक आज 4% भाग रहा है। देन मारुति कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, टीसीएस, बीपीसीएल, ये कुछ टॉप गेनर्स हैं आज के। अभी की सबसे बड़ी खबर अब ये है कि निफ्टी भी लाल निशान में फिसल गया है, सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसल गया है और बैंक निफ्टी में 115 पॉइंट्स की गिरावट आते हुए दिख रही है। जहां खुले बाजार वहां से डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अब वही है यार, अब ना पॉजिटिव तभी हो पाएंगे हम जब 21,950 या 22,000 के ऊपर बाजार निकलेगा स्पेशली, और बड़ा लॉन्ग पॉजिटिव बनेंगे हम जब 22,200 क्रॉस कर देगा। अब वो मार्च सीरीज में होगा मुश्किल लग रहा है, अप्रैल सीरीज में होगा मे भी हो सकता है, और अप्रैल में ही डिसाइड होगा। देखो हम पे ना इस समय मोटा मोटी क्या है, मोटा मोटी हमारे पास अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो छोटे छोटे ट्रिगर हैं। पहला ये कि भैया वैल्यूएशन थोड़े दिक्कत में है तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा ये कि रिटेल इन्वेस्टर अब थोड़ा फ्रेश बाइंग के मूड में नहीं है, जब तक तो उसे बड़ी तेजी नहीं लौटती हुई दिखेगी वो नहीं खरीदेगा, उसे कितना भी बोल लो ठीक है, उसके पास पैसा भी नहीं है, वो पहले ही लगा के बैठा है। तीसरा नेगेटिव देखो तो प्रमोटर्स, FIDIs, ये सब कहीं ना कहीं हल्का हल्का माल बाजार में बेच रहे हैं। इसमें कोई बड़ा ट्रिगर आया नेगेटिव नहीं आया, बाजार के लिहाज से कुछ नहीं आया क्योंकि ये सारी चीजें तो हर दिन चलती हैं। पॉजिटिव आपके पास क्या है, GDP ग्रोथ भारत की जो सबसे पॉजिटिव है और ये बड़ी ट्रिगर है। दूसरा पॉजिटिव क्या है कि ग्लोबल ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव है। और तीसरा बड़ा पॉजिटिव क्या है, कंपनीज की अर्निंग्स में भी दम है, ऐसा नहीं अर्निंग्स नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव दमदार है, नेगेटिव कमजोर है, लेकिन बाजार सब पॉजिटिव होने के बावजूद नीचे जा रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा नेगेटिव है। तो ठीक है, कुछ नहीं करना ही बेस्ट ऑप्शन है अभी भी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, परसों भी कहा था, बीते 5-7 ट्रेडिंग सेशन से एक ही चीज कह रहा हूं, दर्शक बन जाओ बाजार में, है तो बेचो मत, नहीं है तो खरीदो मत, और खरीदना है तो अपने पैसे को टुकड़ों में बांटो और एक एक टुकड़ा लगाओ,
पहला टुकड़ा कहां लगना चाहिए ऊपर से, जब वो 5% करेक्ट हो जाए जो कि निफ्टी पे 21650 के करीब बनता है। तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अभी ये जो शार्प फॉल आया है, लेट्स सी ये टिकता है या फिर वापस से रिबाउंड कर जाता है बाजार, देखने वाली बात है। ये जरूरी नहीं है कि बाजार में जो गिरावट है वो टिकी रहे, क्योंकि हो सकता है वॉलिटिलिटी फैक्टर आ रहा हो, दैट्स इट। तो देखते हैं, अभी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे कुछ भी ट्रेड लेने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो वो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा, अभी केवल और केवल मार्केट पे ही अपडेट दे रहा हूं। बट अभी आपको एज अ इन्वेस्टर केवल इतना ध्यान में रखना है कि आज फेड की तरफ से पॉलिसी आनी है, जिसके बाद कल बाजार ज्यादा उठापटक दिखा सकता है। तो फेड की पॉलिसी से पहले कोई भी बड़ी पोजीशन ट्रेडर ना लेके जाए, मतलब ऑप्शन में बाइंग, ऑप्शन में सेलिंग, फ्यूचर में बाइंग, फ्यूचर में सेलिंग, या कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कुछ मत करना, क्योंकि कल एक बड़ा मूव आ सकता है आज रात पॉलिसी आने के बाद। पहले अमेरिका में आएगा, देन हमारे बाजार में भी आ सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या बोलते हैं जेरोम पॉवेल साहब, फेड चेयरमैन जो है। बस इतना ही अभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।